सीएम मनोहर लाल जन आशीर्वाद यात्रा के 16वें दिन कालामाली होते हुए सिरसा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में मैंने सभी जगह समान रूप से विकास का काम किया है। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सिरसा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस प्रदेश के साथ खिलवाड़ होते रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार ने किए, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने किए। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हरियाणा की जनता को 48 साल तक एक साफ सुथरी सरकार मिली नहीं। मैं बधाई देता हूं जनता को कि 2014 में सब लोग सजग हुए और इस भ्रष्टाचार को, कैंसर रूपी जो भ्रष्टाचार है, इसको खत्म करने के लिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आप लोगों ने बनवाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा 8 सितंबर को जाटलैंड रोहतक में समाप्त होगी। समापन के मौके पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। R9 टीवी के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति और सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।